Assalamualaikum, I am Razain, you are watching Roster Info. जैसा कि आपको पता है कि भाई अपार्टमेंट आपको मैं दिखाता रहता हूँ और अंकारा में जो 25 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन 25 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंजान बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके अंदर आज हम देख रहे हैं एक जना फ्लैट, ठीक है, जो कि 2 साल की TRC अप्लाई करने के लिए बहुत ही परफेक्ट अपार्टमेंट है और न्यू अपार्टमेंट है, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं और दिखाता हूं मैं आपको कि ये अंदर से कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है और उसके बाद मैं आपको बाहर से विजिट कराऊंगा कि बाहर इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और कौन कौन से मज़ेदार चीज़ें हैं अवेलेबल इस अपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ से इसका एंट्रेंस है, जल्दी से चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, अपार्टमेंट के आ गए हैं अंदर और जनाब ये 13 फ्लोर है, ये है जनाब कॉरिडोर, बहुत ही खूबसूरत कॉरिडोर है और जनाब ये है फ्लैट। यहाँ से होते हैं अंदर एंटर। अच्छा जी, ये है इसका स्टील डोर और स्टील डोर के बाद राइट पर है जनाब कबर्ड। अच्छा, फैमिली अभी यहाँ रह रही है और ये कबर्ड के साथ आती है वह एक शेल्फ। काफ़ी बड़ा ये कबर्ड है, यानी कि पूरी फैमिली के कपड़े बहुत आराम से इजीली इसके अंदर जो है वो जनाब आ सकते हैं। ये मेन एंट्रेंस के साथ है आपकी वीडियो एंट्री। कोई भी बंदा आता है आपसे मिलने के लिए तो सबसे पहले यहाँ आप उसकी वीडियो देखें और उसके बाद यहाँ से अनलॉक करेंगे तो फिर नीचे से जो डोर अनलॉक होगा और फिर आप उसे अंदर वेलकम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये पूरा कॉरिडोर है, यहाँ से लेफ्ट से अगर हम शुरू करें तो जनाब ये है आपका लाउंज। काफ़ी खूबसूरत लाउंज है, वॉलपेपर लगा हुआ है, यहाँ वाइट कलर का वॉलपेपर है और उसके अलावा जनाब ये इसका यहाँ से हम एंटर हुए राइट से जो है वो मेन एंट्रेंस है। उसके बाद ये पहला इनका रूम है जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत वॉलपेपर लगा हुआ है और जनाब यहाँ से व्यू अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है जनाब बाहर का व्यू, बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त यूरोप टाइप का व्यू है। पीछे बैक पर माउंटेन है और नीचे जो है वो जनाब अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं और अभी आपको गैलरी से दिखाता हूँ इसका व्यू। ये आ गए जनाब कॉरिडोर में हम वापस, राइट साइड पर हैं वॉशरूम, वो बाद में दिखाता हूँ आपको। उससे पहले है जनाब ये किचन, जैसा कि आप देख रहे हैं शानदार किचन है यहाँ मौजूद। काफ़ी बड़ा खुला डुला किचन है। अच्छा, ये एग्जॉस्ट होता है, नीचे इसके ड्रॉज हैं और ये है आपका वॉशिंग मशीन प्लेस और उसके अलावा यहाँ जनाब आपका और दूसरा बर्तन वगैरह रखने की जगह है और बहुत बड़े बड़े शेल्फ दिए हुए हैं। और ये इस तरफ है आपका ओवन, माइक्रोवेव ओवन और यहाँ है जनाब आपका फ्रिज और ये भी आपका प्लेस है और यहाँ से भी आपको बाहर का खूबसूरत मंजर, ब्यूटीफुल मंजर बहुत ईजीली आप व्यू कर सकते हैं, बहुत शानदार व्यू है जी। तो इस शानदार व्यू के साथ है जनाब ये आपका किचन, काफ़ी बड़ा किचन है जिसमें आपका जनाब डाइनिंग टेबल इजीली आप यहाँ रख सकते हैं और यहाँ बैठकर आप कर सकते हैं लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर ब्यूटीफुल व्यू के साथ। अच्छा, ये किचन के साथ है अटैच गैलरी, ठीक है, गैलरी को इन्होंने थोड़ा सा मेंटेन किया हुआ है, यानी कि सोफे वगैरह डाले हुए हैं, आप भी डाल सकते हैं और पूरा कवर्ड है आपका ग्लासेस से। टर्की में जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो ग्लासेस लगे हुए होते हैं इनकी कॉस्ट होती है 30,000 तुर्किश लीरा से 40,000 तुर्किश लीरा जो है वो आपके गैलरी के अंदर अगर ये ग्लासेस लगे हुए होते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है एक्चुअली। तो जहाँ ये लगे हुए होते हैं तो वो एक नेमत की तरह होता है
और क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं नॉर्मली जो है बिल्डर्स लगाते नहीं है। न्यू बिल्डिंग है ये, और ये एक रूम से भी बड़ी जो है वो ये गैलरी है आपकी। जी दोस्तों, तो इस बहुत बड़ी और खूबसूरत गैलरी के साथ चारों तरफ से आप व्यू कर सकते हैं बाहर का। अच्छा जी, ये जो ग्लासेस हैं ये मूवेबल हैं, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट राइट रिवॉल्विंग ग्लासेस हैं, ये खुल गया जनाब। तो अब मैं आपको बाहर का मंजर थोड़ा सा जो है वो बता दूं डिटेल के अंदर। ये अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये है जनाब स्कूल, यानी कि अगर आप ये फ्लैट लेते हैं तो आपके बच्चे बिल्कुल आपके सामने होंगे। ये सामने पूरा एक्टिविटी है यहाँ, ये प्ले ग्राउंड वगैरह फुटबॉल के लिए ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, और उसके अलावा जो है वो ये पूरी स्कूल की बिल्डिंग है। अच्छा, ये जो राइट पे आप देख रहे हैं ये अभी हस्ताने यानी कि हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ, ठीक है। और लेफ्ट पर जो आप ये खाली जगह देख रहे हैं यहाँ स्पोर्ट्स सेंटर बन रहा है, ठीक है। बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्टेड ये एरिया है, और बाकी जो अपार्टमेंट हैं वो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है वो नए नए अपार्टमेंट यहाँ पर बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। ये एक टावर यहाँ नया खड़ा हो रहा है, और जब यहाँ स्नोफॉल होती है 3 से 4 महीने यहाँ स्नोफॉल होती है, और ये पूरे जो माउंटेन है ये पूरे वाइट हो जाते हैं, पूरे ये वाइट हो जाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत और हसीन मंजर हो जाता है यहाँ का आफ्टर द स्नोफॉल। तो ये आउटसाइड व्यू है इसका। तो अब मैं बाकी आपको अपार्टमेंट दिखाता हूँ। ये उन्होंने टीवी वगैरह सब लगाया हुआ है, फुल एंजॉयमेंट है भाई गैलरी के अंदर। ये आ गए जनाब वापस हम किचन में। जी तो मज़ेदार सी कैट घूम रही है भाई, ये देखिए ये देखिए, वो देख रही है कि रजा भाई क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो किचन से आगे चलते हैं। अभी आपको मैंने दिखाया यहाँ से हम एंटर हुए, ये आपका कबर्ड था, ये आपका जो है वो था जनाब लाउंज जिसे यहाँ कहते हैं सैलून, ठीक है। अच्छा, ये है आपका क्लासिक वॉशरूम जो कि बिल्कुल न्यू लुक के साथ है यहाँ मौजूद, ठीक है। उसके बाद है जनाब ये आपकी एक वॉशिंग मशीन की जगह, और ये ऊपर कैबिनेट्स लगे हुए हैं, इसमें आपका काफ़ी सारा सामान आ सकता है। अच्छा, ये इसका सेकंड है जनाब वॉशरूम। दो सिंक लगे हुए हैं बड़ों के लिए वो, और बच्चों के लिए ये सिंक लगा हुआ है। बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ है, सामने शेल्फ दिए हुए हैं। यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है जनाब हीटर, ठीक है, क्योंकि सर्दी यहाँ ज़्यादा होती है तो हीटर सब जगह होता है यहाँ भाई, वॉशरूम में भी होता है। अच्छा, तो दो रूम हमने देख लिया, अब ये थर्ड रूम है। दो रूम जो मैंने अभी आपको इससे पहले दिखाया उसके अंदर एक सैलून था और एक जो है वो रूम था। उसके अलावा जो है वो एक ये आपका पेरेंट्स रूम आ गया, मतलब बच्चों को भी आप इसमें यहाँ अकोमोडेट कर सकते हैं। बहुत बड़ी यहाँ विंडो अवेलेबल है जिससे बाहर का व्यू ये आप देख सकते हैं, और उसके अलावा ये रूम आपका अटैच है आपकी गैलरी से जो मैंने अभी आपको दिखाई। बहुत बड़ी गैलरी है, एक रूम से भी बड़ी गैलरी है, ठीक है। तो ये अटैच है इस वाले आपके रूम से, और यहाँ आप बहुत बड़ी सी एक जनाब कैबिनेट रख सकते हैं जो कि यहाँ इन्होंने रखी हुई है। अच्छा जी, तो तीन रूम के बाद जो है वो चौथा रूम ये है जनाब, जो कि बच्चों का किड रूम है। ये देखिए जनाब, ये है जनाब बच्चों का किड रूम, इसमें भी कबर्ड वगैरह सारी चीज़ें यहाँ आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जनाब सामने फिर वही ज़बरदस्त व्यू है। ये अभी नीचे जो एक राउंड राउंड के अंदर आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली ये होता है कि यहाँ फुटबॉल का क्योंकि बहुत क्रेज़ है तो इसलिए ये एक इंस्टीट्यूट टाइप का होता है। इसके अंदर जो है प्रैक्टिस होती है फुटबॉल की, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग देते हैं फुटबॉल की, यानी कि किस तरह वो एक मतलब ये एक एक्सपर्ट हो सकते हैं फुटबॉल में। और उसके पैक पर आप जो देख रहे हैं बहुत बड़ा गार्डन आपको नज़र आ रहा है, और जनाब वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है बहुत बड़ा। तो इस अपार्टमेंट की एक खसूसियत ये भी है भाई कि इसको कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो इसको लेने में, और लेने के बाद अगर वो रेंट पे देना चाहे तो जो फैमिली यहाँ रह रही है यानी कि जो ऑनर यहाँ रह रहे हैं आप
मतलब ये कि परचेज करके ये उनको ही रेंट पर भी दे सकते हैं अगर आप खुद उसमें ना रहना चाहें तो। अच्छा जी, अब आ गया जनाब ये पेरेंट्स रूम, ठीक है। मैंने आपको बच्चों का रूम दिखा दिया, उसके अलावा दो रूम उससे पहले दिखा दिए, एक उसमें सलून था, ठीक है। और ये आ गया जनाब आपका मास्टर बेडरूम, यानी कि इसको यहाँ कहते हैं पेरेंट्स रूम, ठीक है। ये इसकी रूफ है, यहाँ इनकी बहुत बड़ी फिक्स्ड कबर्ड है, ये देखिए, ये तमाम कपड़े वगैरह इजीली आप यहाँ रख सकते हैं। ये एक कैबिनेट है, इसी के साथ दूसरा कैबिनेट है, ये तकरीबन दो बड़े कैबिनेट और दो छोटे कैबिनेट के साथ ये बहुत बड़ी मतलब ये कबर्ड है, ठीक है, जिसके सामने लगा हुआ है जनाब मिरर। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और शानदार कबर्ड है यहाँ मौजूद। और ये है जनाब मास्टर रूम इनका, यानी कि पेरेंट्स रूम, और इसमें भी बहुत बड़ी विंडो अवेलेबल है जिससे बाहर का आप बहुत खूबसूरत व्यू ले सकते हैं। 147 इसका जो है वो नेट कवर्ड एरिया है, ठीक हो गई बात। और जनाब 3+1 एक्चुअली ये अपार्टमेंट है, ठीक है, बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। अगर प्राइस की इसकी बात करें तो भाई 19.5 लाख तुर्किश लीरा, 19.5 यानी कि 19.5 लाख तुर्किश लीरा जो है वो जनाब है इसकी प्राइस, ठीक है, जिसके अंदर निगोसिएशन हो सकती है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो इस अपार्टमेंट में तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मुझसे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और जनाब जितना भी मतलब मुमकिन होगा वो हम आपकी जो है बार्गेनिंग कराएंगे। तो ये है जनाब ओवरऑल इसकी इनसाइड सिचुएशन इस अपार्टमेंट की, बहुत ही ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत ज़बरदस्त और मज़ेदार ये अपार्टमेंट था अंदर से, और बिल्कुल न्यू बिल्डिंग के अंदर। तो ये इसकी इनसाइड सिचुएशन थी। अब मैं आपको दिखाऊँगा इसके आउटसाइड जो है वो क्या क्या अवेलेबल है, ग्रॉसरी कितने डिस्टेंस के ऊपर है, और इसके अलावा पार्क वगैरह या इसके सराउंडिंग में ये एरिया कैसा है। तो ये बाहर चलते हैं, फिर मैं आपको मजीद कंटिन्यू करता हूं और फिर फाइनली वाइंड अप करेंगे वीडियो को बाहर की तमाम फैसिलिटीज दिखाने के बाद। अच्छा जी, ये लिफ्ट से बाहर का मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पर यांगन यानी कि आग बुझाने की तमाम सहूलत है मौजूद, और ये आपका एमरजेंसी एग्जिट है कि अगर कोई भी लिफ्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से जो है वो स्टेयर्स बनी हुई हैं, यहाँ से इजीली जो है वो अपनी जान बचाई जा सकती है। और यहाँ पर जनाब आग बुझाने का पूरा सिलसिला है, यहाँ अगर लिफ्ट में लिफ्ट देर से आ रही है तो यहाँ बैठ के थोड़ा सा स्टे कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत खूबसूरत बनाया है इन्होंने लिफ्ट से पहले का तमाम सिलसिला, ये थी लिफ्ट। और ये जनाब मेन एंट्रेंस है इसका, ये देखिए कितना खूबसूरत मेन एंट्रेंस बनाया हुआ है जनाब इस अपार्टमेंट का। ये देखिए ये ऑटोमेटिक आप करीब आएंगे और डोर खुल जाएगा, ठीक है, ऑटो लॉक्स लगाए हुए हैं। ये इसका मेन एंट्रेंस है, लेकिन ये 50% है, और आगे दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ से इसकी ये कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड आपके पास वो होंगे उसके बाद फिर जो है वो आप अंदर एंट्री होगी आपकी। कोई भी अगर बाहर से आता है तो सबसे पहले वो यहाँ आएगा, यहाँ वो अपनी शक्ल दिखाएगा यानी कि फेस दिखाएगा आपको रूम में, जिस तरह मैंने आपको दिखाई वीडियो एंट्री, वहाँ से आपको नज़र आएगा कि कौन आपके पास आया है। और जब आप अलाउ करेंगे तो वहाँ से आप खोलेंगे और यहाँ से लॉक खुलेगा और फिर वो बंदा ऊपर आ सकता है। यहाँ आपके सारे मेल बॉक्स दिए हुए हैं, आपकी फ्लैट नंबर के हिसाब से आपकी जो भी मेल है, आपके यूटिलिटी बिल्स हैं, वो सब आएंगे इस मेल बॉक्स के अंदर। ये आपका नोटिस बोर्ड है, कोई भी चीज़ होती है तो वो यहाँ मेंशन होगी। तो जनाब ये है आपका इसके अंदर का मैंने आपको एंट्रेंस दिखाया, और ये है आपका डोर खुल गया है ऑटोमेटिक। ये देखिए ये था आपका मेन एंट्रेंस। उइगर कैंट अपार्टमेंट का नाम है, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत और शानदार टावर है, ये 13 फ्लोर बिल्डिंग है। अभी जो हमने अपार्टमेंट देखा वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ है जनाब, ये पूरी कार पार्किंग, बहुत बड़ी कार पार्किंग है ये, काफ़ी गाड़ियाँ तकरीबन 100 या 150+ पार्किंग
अपार्टमेंट के अंदर है अवेलेबल, वो वहाँ से, ये देखें अभी जैसे एक गाड़ी जा रही है, आपके पास रिमोट होता है, रिमोट से आपका डोर आते वक्त खुलेगा और जाते वक्त जो है वो हो जाएगा जनाब बंद। ये यहाँ पर सिक्योरिटी चेक है, यहाँ से आप जो भी आता है उसकी एंट्री यहाँ से होती है, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठता है, ठीक हो गई बात। ये इनका बोर्ड लगा हुआ है और जनाब ये इस तरफ से है इसका अपार्टमेंट का फ्रंट साइड, ठीक है, बिल्कुल फ्रंट साइड का हमने जो है फ्लैट देखा, जो अभी मैंने आपको दिखाया वो उससे जो है वो बैक पर आपका जो है वो सारा व्यू आ रहा था और ये सामने वो स्कूल आ रहा था जो मैंने आपको अभी ऊपर से दिखाया कि जो आपके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अच्छा, उसके अलावा एक और अट्रैक्शन जो इस अपार्टमेंट के अंदर है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे आप देख रहे हैं कि बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल प्योरली फैमिली एरिया है ये। और जनाब सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये है कि बच्चों को खेलने के लिए बाहर किसी गार्डन में जाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि बाहर गार्डन्स मौजूद हैं लेकिन इस अपार्टमेंट के अपने प्रेमिसेस के अंदर ही जो है वो पार्किंग लॉट के साथ जो है वो अपना अपार्टमेंट का गार्डन है मौजूद, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर है जनाब साइकिलिंग स्टैंड, ये सारे बच्चों की साइकिल्स खड़ी हुई हैं, ठीक है। यहाँ आप बैठ के शाम में चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं और जनाब बच्चों की राइड्स लगी हुई हैं और इस तरफ ये गार्डन दिया हुआ है, एक उस तरफ हट दिया हुआ है, यानी कि तीन या चार हट्स दिए हुए हैं जिसके अंदर आप बैठ के ईजीली कर सकते हैं अपनी इवनिंग टी इंजॉय। उसके साथ साथ ये है जनाब एक्सरसाइज मशीन्स, ठीक है, यानी कि सुबह में उठ के जो भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो कर सकते हैं जनाब यहाँ एक्सरसाइज। और ये आपके आपकी अपनी मतलब प्रॉपर्टी है आपके अपार्टमेंट की, यानी कि आपके अपार्टमेंट के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उनके अंदर ये है मौजूद। उसके साथ साथ बच्चों के राइड्स लगे हुए हैं, मज़ेदार कलरफुल, यहाँ बच्चे जो है वो सारा दिन कर सकते हैं इंजॉय आफ्टर कमिंग द स्कूल। तो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली है जो अभी हमने देखा। अच्छा, गार्डन के साथ अगर मैं आउटसाइड आपको जो है वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं, गार्डन के साथ है जनाब ये सामने एक प्राइवेट मार्ट बना हुआ है ज़बरदस्त, जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग आपकी ग्रॉसरी है अवेलेबल, बिल्कुल आपका एक मिनट की भी वॉक नहीं है और ये है जनाब यहाँ मौजूद। अच्छा, उसके साथ ये जनाब बना हुआ है बड़ों के लिए, बड़े बच्चों के लिए फुटबॉल ग्राउंड, यानी कि जो बॉयज़ हैं उनका सेपरेट ये वाला पोर्शन है और वो जो उस तरफ आपको नज़र आ रहा है वो गर्ल्स का है। तो यानी कि बहुत बड़ा ये फुटबॉल ग्राउंड, ये बिल्कुल आपके बच्चों की एक्टिविटी के लिए आपके घर के है साथ साथ, ठीक है। और इसके अलावा ये सामने जो येलो कलर का आपको बोर्ड नज़र आ रहा है ये है शोक मार्केट, जो कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंटल स्टोर होता है जिसके अंदर तमाम चीज़ें होती हैं डिस्काउंटेड रेट पर। और उसके साथ ही है जनाब मेन रोड और बस, वहाँ से बस सर्विस है और वो पूरे मतलब आपको मेन रोड से और तमाम दूसरी जगहों से करती है कनेक्ट, ठीक है। तो ये रोड भी आपका बिल्कुल मेन रोड भी है करीब और ये जितनी भी यहाँ अपार्टमेंट आपको नज़र आ रहे हैं वो खुद आप देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्टेड एरिया है और 00 अपार्टमेंट यहाँ बन रहे हैं। और नई बिल्डिंग में प्रॉपर्टी लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो कि वो आपको पे बैक करती है, यानी कि जब आप लेते हैं तो 2 से 3 साल के अंदर वो अपनी कीमत को बढ़ा देती है, ऑलमोस्ट डबल के करीब कर देती है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, ठीक हो गई बात। तो जुड़े रहें राष्ट्र इन्फो के साथ, इसकी कीमत मैंने आपको बता दी, इसका कवर्ड एरिया मैंने आपको बता दिया, कोई भी बंदा हो इंटरेस्टेड तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको जो उसकी बार्गेनिंग है उसके अंदर ज़रूर आपके साथ कॉपरेट करूँगा। अनटिल द नेक्स्ट वीडियो, जुड़े रहें राष्ट्र इन्फो के साथ, थैंक यू, जज़ाक अल्लाह।